वेलकम बैक। हम अभी 2 मिनट की ब्रेक में, मतलब ब्रेक से बाद 2 मिनट का वेट लेंगे और इसमें हम जो हमारे बाकी है वहाँ पे वो ज्वाइन कर ले हमें, तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तब तक जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं, तो आप लोग अपने अपने माइक्रोफोन अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अभी अनम्यूट करके पूछ लीजिए। अभी तक हमने पढ़ा है ना, इंटीजर की टाइप पढ़ी है कि इंटीजर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। फिर हमने उसमें देखा कि इंटीजर भी दो तरह की टाइप हो सकती है, एक साइंड और अनसाइंड, और हमने ये डिसाइड करना होता है कि हमारा जो डाटा हमें वो किस टाइप का आना है, और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमने किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, साइंड करना है या अनसाइंड करना है, नंबर एक। और फिर दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि वो जो साइंड या अनसाइंड जो भी करना है उसका साइज कितना होना चाहिए। तो हम ये एक्सपेक्टेड रेंज देखते हैं कि हमारे डेटा के अंदर मैक्सिमम कितनी बड़ी वैल्यू आने का चांस है, और उसके हिसाब से फिर हम ना साइज डिसाइड कर लेते हैं। और साइज छोटा बड़ा रखने का ये फायदा होता है कि कल कला को जब हम एम्बेडेड डिवाइसेस के ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो उनके अंदर इतनी रैम नहीं होती जितनी हमारे कंप्यूटर में होती है, 8 GB, 10 GB, 12 GB, 4 GB, 2 GB, ठीक है। उसमें 256 KB रैम होगी, तो 256 KB के अंदर आपने फिर वो जो बाइट है ना, 256 KB आपको जो मिले हुए हैं उसमें से भी कुछ प्रोग्राम भी लेगा, तो आपको फिर ना आपके पास बड़ा एक शॉर्ट एरिया होता है जिसके अंदर आपने अपना काम करवाना होता है, तो वहाँ पे फिर आप बड़ा प्रिसाइजली ना साइज को देख के चलते हैं। तो अभी इस लेवल पे अगर आप ये साइजिंग समझ जाएंगे ना, तो आपको उस वक्त फायदा होगा, ठीक है। अभी हमारी कोशिश है कि हम अगले 10 मिनट के अंदर अंदर इसको खत्म कर दें सेशन को, तो इस वजह से हम आगे चलते हैं। मैक्सिमम शायद लोगों ने ज्वाइन कर लिया, बाकी नहीं आए चले कह रहे हैं। तुझे आपने देखा था कि जो इंटीजर टाइप होते हैं ना, इसमें वो वैल्यूज आती हैं जो कि कंप्लीट नंबर होता है, उसमें पॉइंट्स नहीं दिए होते डिजिट्स के बाद। तो सॉरी, तो अब क्या हो रहा है कि अब हम जो सेकंड टाइप इसके अंदर हम आज देखेंगे, उसके बाद हम सेशन खत्म कर देंगे क्योंकि शायद लोगों ने असाइनमेंट्स वगैरह भी सबमिट करानी है। तो वो है फ्लोटिंग टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। इसकी दो ही टाइप होती है, ऐसे इंटीजर की ना 4 साइंड थी, बल्कि 5 और 5 अनसाइंड थी, ठीक है। कौन सी वाली? ये वाली, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। साइंड के अंदर भी 5 दूसरे कॉलम में आ रही हैं टाइप्स, और अनसाइंड में भी 5 आ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लोटिंग पॉइंट में ऐसा कोई मसला नहीं है, इसमें दो ही टाइप होती है, या 32 होती है या 64 होती है। तो अगर आपने कोई पॉइंट्स वाली वैल्यू अपने प्रोग्राम में यूज करनी है, स्टोर करनी है, तो ऐसी सूरत में आप F32 और F64 यूज कर सकते हैं। F32 जो है वो 32-bit साइज की वेरिएबल बनेगा, और 64-bit का बनेगा। फर्क इनमें क्या होगा कि एक जो 32-bit वाला है वो लेस प्रिसाइज होगा, और जो 64-bit वाला है वो हाईली प्रिसाइज होगा। वो हम देख लेते हैं कैसे होगा। अच्छा, जैसे हम ने देखा था कि इंटीजर में अगर हम वैल्यू नहीं बताते थे, खाली ऐसे लेट x इज इक्वल टू 100 लिख देते थे, तो वो खुद से I32 टाइप ले लेता था, ठीक है। इसी तरह से जो रस्ट है, अगर हम टाइप नहीं बता रहे फ्लोटिंग पॉइंट की, तो ये खुद वो खुद F64 टाइप ले लेता है, ठीक है। और ये नीचे लिखा हुआ भी है कि 32-bit टाइप इज अ सिंगल प्रिसीशन फ्लोट एंड 64-bit हैज डबल प्रिसीशन फ्लोट, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने का तरीका उसी तरह होता है कि लेट वेरिएबल कॉलम, उसके बाद जैसे हम उसमें I8, I16, U8, U16, U32 लगाते थे, तो जैसे यहाँ पे हम F32 या F64 लगा देंगे, और इक्वल टू जो आगे वैल्यू देंगे ना वो पॉइंट्स वाली होनी चाहिए, ठीक है। 1.23 जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ आपने ख्याल करना है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। तो हम चलते हैं अपने वो जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसकी तरफ। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे लेके जाता हूँ। तो ये देखें जी, हम लेट x इज इक्वल टू लेट x और उसके आगे कॉलम, और आगे हमने F32 टाइप बना ली, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 100, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, और अब मैं आपको लेके जाऊंगा हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसके ऊपर।
और यहाँ हम इसको चला के देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं कार्गो रन और चलाते हैं, तो देखिए हमें एक एरर आ गया। और एरर क्या है, ये एरर पढ़ना सीखें, एरर आ जाए तो बहुत से लोग ना घबरा जाते हैं, यार ये क्या मुसीबत आ गई, एरर आ गया। कुछ भी नहीं आया, एरर इतने प्यारे अंदाज में आपको, प्यार भरे अंदाज में समझाता है ना, इतने प्यार भरे अंदाज में मैं भी आपको नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हमें बता रहा है कि लाइन नंबर 2 में आपने ये कमांड लिखी है, लेट एक्स कॉलन F32 इज इक्वल टू 100, और 100 के नीचे देखें इसने कुछ तीन तीर के निशान भी लगाए रेड रंग के, और ये नीचे मुझे कह रहा है एक्सपेक्टेड F32, मुझे फ्लोट 32 चाहिए था, आपने मुझे यहाँ पे इंटीजर दे दिया। पहली बात तो उसने ये बताई, नीचे उसने हेल्प भी कर दी, इतनी हेल्प तो हम लोग भी नहीं कर रहे होते जितनी ये कर रहा होता है। कहता है यूज अ फ्लोट लिटरल, यानी कि वो कह रहा है कि जो तो आपने वैल्यू दी है या आपने इंटीजर टाइप की दे दी है, आप इसको फ्लोट टाइप की मुझे लिटरल दें। और उसने आके एग्जाम्पल दे दी कैसे फ्लोट टाइप की दें, ये देखिए अगर आपने 100 ही वैल्यू देनी है तो उसको 100.0 करके लिखें, ऐसे खाली 100 ना लिखें क्योंकि खाली 100 को वो इंटीजर ले लेता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने 100 वैल्यू लिखनी है और उसको F32 में या F64 में डालना है तो उसको आप 100.0 करके लिखें, 0.0 लगाएं ताकि मुझे समझ आए कि ये आपने मुझे कोई फ्लोट टाइप का डाटा दिया। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा वापस अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहां जाके सिर्फ इसके आगे 0.0 लिखूंगा, इसको सेव करूंगा, और फिर से वापस आऊंगा अपने उसी वो जो हमारी कमांड टर्मिनल था, और यहाँ पे मैं कार्गो रन लिखता हूँ, तो ये देखें बिल्कुल बिल्ड भी हो गया और रन भी हो गया। ठीक है, और 100 उसने डिस्प्ले भी कर दिया, लेकिन अभी जो 100 बना है ये किस टाइप का बना है, ये बना है फ्लोट 32 टाइप का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक वो जो हाई सिंगल प्रेसिशन डबल प्रेसिशन होती है ना उसको डिस्कस कर लेते हैं, और देन आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना इसकी जगह वो जो हम कल भी पाई पाई कर रहे थे ना, तो पाई वो खाने वाली नहीं थी एक्चुअली, वो नंबर वाली थी, तो हम उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं 22/7। तो हम कहते हैं कि लेट एक्स जो कि एक वेरिएबल है F32 यानी कि फ्लोट 32 टाइप का, उसके अंदर क्या डाल दो, 22/7 को वैल्यूएट करो, 22 को 7 से डिवाइड करो, जो भी वैल्यू आती है ना वो इसके अंदर डाल दो। ठीक है, एक्स के अंदर। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना, ये बिल्कुल सिंपल सा 22/7 की वैल्यू हम डाल रहे हैं एक्स के अंदर। ठीक है, अब हम जब एक्स को प्रिंट करवाते हैं सेव करने के बाद, और देखते हैं कि क्या हमारे सामने आएगा, तो हमने वहां पे एक्स के अंदर वैल्यू क्या डाली है, 22.7। हमने कार्गो रन किया तो इसने एरर दे दिया, कौन सा एरर है, वही वाला सेम एरर है, फिर दोबारा एरर पड़े। वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड F32 आपने इंटीजर दे दिया मुझे, तो वो बता रहा है कि भाई जब आप फ्लो टाइप पर वेरिएबल यूज करते हैं तो प्लीज 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 आप उसके अंदर जो लिटरल दे रहे होते हैं, जो वैल्यूज दे रहे होते हैं, वो आप इंटीजर टाइप की मत दें। अगर आपने 22/7 देना है तो उसको फ्लोट टाइप के वेरिएबल के लिए 22.0 डिवाइडेड बाय 7.0 दें, आगे पॉइंट जरूर लगाएं ताकि मैं उसको फिर फ्लोट के तौर पे ट्रांसलेट कर सकूं। देखिए इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद हम वापस गए अपनी कमांड लाइन पे, और हमने कार्गो रन किया, तो देखें इसने मुझे वैल्यू दे दी 22/7 की 3.142857। अब यहां गौर कीजिएगा, ये है सिंगल प्रिसीशन में क्योंकि हमने F32 दी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं और कुछ भी नहीं छेड़ता, मैं सिंपल अपने कोड में वापस जाता हूँ और वहां जाके इसको F32 की जगह F64 बना देता हूँ वेरिएबल की टाइप, जो कि डबल प्रिसिशन वाली टाइप है। ठीक है, इसको मैंने सेव किया F64 करके, देखिए वही वाली चीज़ है कि लेट एक्स एक वेरिएबल है जो कि F64 टाइप का है, उसके अंदर क्या वैल्यू आपने स्टोर करनी है, 22/7 को वैल्यूएट करो, डिवाइड करो 22 को 7 से, और जो भी उसका आउटपुट निकलता है उसको इस एक्स में स्टोर कर दो। ठीक है, और उसके बाद इसको प्रिंट भी कर दो। तो अब जब हम वापस जाते हैं और जाके अब इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, अब थोड़ा फर्क देखें,
पहले मैंने जब F32 बनाया था ना, तो 32 बिट साइज का बना था, तो वो सिंगल प्रिसिशन में था। उसने मुझे वैल्यू दी 3.142857, ठीक है। लेकिन जब उसको मैंने डबल प्रिसिशन बनाया, उसको मैंने F64 किया, तो अब देखें वो क्या वैल्यू दे रहे हैं, 3.142857, यहाँ तक तो ठीक है, आगे 1428571143। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू दे दी उसने मुझे। पहले जो इसकी प्रिसीजन थी वो कुछ डिजिट तक थी, अब वो डबल डिजिट पे चली गई है पिछले वाले से। तो भाई ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिल रही है, ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू मिल रही है। आपको पता ना कि जो पॉइंट होता है उसके बाद जितनी ज्यादा प्रिसीजन, जितनी ज्यादा वैल्यूज ऐड करते जाए नंबर, उतनी ज्यादा प्रिसीशन बढ़ना शुरू हो जाती है, उतनी ज्यादा वैल्यू, ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये फर्क होता है कि जब आप कोई मैथमेटिकल प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें कोई आपने मैथमेटिकल एवेल्यूएशन करनी है, और आप चाहते हैं मुझे बड़ा हाईली प्रिसाइज रिजल्ट मिले, ठीक है। जिस तरह सर ने कहा था एक बार कि हमारी मतलब एम्बेडेड प्रोग्रामिंग होती है ना, तो बहुत सारे सिस्टम्स की हो रही होती है, तो वहां पे आपको बाजू का बड़ी हाईली प्रिसाइज वैल्यूज चाहिए होती है। उस वक्त फिर आप क्या करते हैं कि ज्यादा प्रिसिशन में चले जाते हैं, जहाँ आपने F32 यूज करना होता है उसकी जगह आप F64 यूज करते हैं। तो फिर आप देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद आपको कम डिजिट मिल रहे थे, एक लेस प्रिसाइज डाटा मिल रहा था, सिंगल प्रिसिशन मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे वो प्रिसिशन डबल हो गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है प्रिसिशन का, कि F32 में आपको कम प्रिसिशन मिलती है और F64 में आपको निस्बतन उसके डबल प्रिसिशन मिल जाती है, ठीक है, F32 से। तो आपको ज्यादा एक्यूरेट डाटा, जो भी आपने थ्योरी लगाई होती है या जो भी आपने एक्सप्रेशन एवेल्युएट की होती है, उसका ज्यादा प्रिसाइज डाटा आपको मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके मेरे ख्याल में हमारा ये फ्लोटिंग टाइप खत्म हो जाता है, आगे बूलियन है, इसको हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। तो अब हमने आज देखा इंटीजर को और फ्लोट को, उसको हमने प्रैक्टिकली भी चला के देखा, ठीक है। और ये भी हमने देखा कि जब हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए कि जब हम उसकी इक्वलिटी वाली वो वैल्यू डाल रहे होते हैं उसके अंदर, तो उसके आगे हम जीरो या पॉइंट के बाद कोई वैल्यू जरूर दें, जैसा कि हमने यहाँ पे दी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसके एंड में स्लाइड पे वेरिएबल जो बने हैं उसमें हम 1.23 वैल्यू दे रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे सिर्फ वन वैल्यू देनी होती है, लेकिन हमने टाइप उसकी फ्लोट रखनी होती, तो हम क्या करते, यहाँ पे 1.0 लिख देते, खाली वन लिखने से एरर देना था उसमें, ठीक है। तो वन, अगर हमने खाली वन वैल्यू भी स्टोर करनी है लेकिन एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करनी है, तो उसको हम 1.0 लिखेंगे, ओके। इसका आपने जरूर ख्याल रखना है, वरना आपको खामखा का एरर आता रहेगा। तो जनाब अली, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बिला तकल्लुफ पूछिए, वरना हम आज का सेशन एंड करते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग अपना अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई है क्वेश्चन वगैरह तो आप बिला तकल्लुफ अपना माइक अनम्यूट करें और अनम्यूट करके मुझसे पूछ लें। मैं 1-2 मिनट आपका वेट करूंगा, वरना अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो फिर हम आज का सेशन एंड कर देंगे। तो प्लीज अभी आज जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिला तकल्लुफ पूछ लीजिए। ओके फाइन जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असाइनमेंट्स। तो अब आप लोग मेरे ख्याल में जिन लोगों ने कर चुकी है, सबमिट करवा चुके हैं, वो लोग तो जाके रेस्ट करें और हम इस सेशन को करते हैं एंड। और इंशाल्लाह अल्लाह अजीज जिंदगी रही और तबीयत बेहतर हुई, तो हम इंशाल्लाह कल इसी टाइम पे मुलाकात करेंगे और देन फिर यहाँ से आगे चलेंगे बुलियन और जो कैरेक्टर टाइप है उसको कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।